नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे YouTube के एनिमेटेड थंबनेल्स के बारे में। मैं अभी YouTube के एनिमेटेड थंबनेल्स के बारे पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम माउस को YouTube के किसी वीडियो पे होवर करते हैं तो एक 2 या 3 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप जो होता है वो लूप में चलता है। नॉर्मली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये क्लिप जो है वो सारे वीडियोस पे नहीं चलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नीचे होवर करूँ तो यहाँ पे ये क्लिप रन नहीं कर रहा है, जो कि जो 2 या 3 सेकंड का होता है। आई थिंक ये 3 सेकंड का होता है। तो 3 सेकंड का जो क्लिप है ये रन नहीं कर रहा, बट यहाँ पे कर रहा है। तो ये क्लिप जो है, ये एनिमेटेड क्लिप जो है, ये कैसे आता है, कहाँ से आता है? तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके 3 सेकंड का एक क्लिप, जो भी रैंडम क्लिप्स है कहीं से भी, वो पिक करता है और पिक करके उसको थंबनेल पे डाल देता है, जो कि एज ए प्रीव्यू वर्क करता है, जो कि आपको दिखाता है कि ये वीडियो जो है कैसा है। अगर आपको, आप इंटरेस्टेड हो तो, वो इंटरेस्टेड होंगे तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करके इस वीडियो को देख लेंगे। कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि ये उस जगह के क्लिप को ज़्यादा लेता है जिस पार्ट को यूज़र सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो कुछ ऐसा भी है, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है एग्जैक्ट वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो है एनिमेटेड वीडियोस जो है एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। इसको आप जिफ इमेज भी कह सकते हैं, बट ये जिफ इमेज नहीं है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो यहाँ पर, अगर हम देखते हैं कहाँ गया, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करके देखें तो ये एक एनिमेटेड इमेज है। तो यूट्यूब इसको कैसे हैंडल करता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने होवर किया, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक इमेज का रिक्वेस्ट किया सर्वर पे और एक इमेज लोड हो गया। इसको ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअली ये इमेज है क्या। ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि ये 3 सेकंड का एक क्लिप बनाया है, और ये क्लिप जो है ये वेबपी इमेज है। नॉर्मली वेबपी जो है एक इमेज का नया फॉर्मेट है जिसको गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये वेबपी इमेज यूट्यूब अपने वीडियोज़ का बनाता है और एनिमेटेड थंबनेल्स दे देता है, जिसे आप कभी भी होवर करने पर आपको दिख जाता है। अब बात करते हैं कि क्या हम इस एनिमेटेड थंबनेल को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम कोई यूट्यूब का एपीआई यूज़ कर रहे हैं या यूट्यूब के आईफ्रेम के एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये एक्सेसिबल है हमारे लिए? नॉर्मली क्या होता है कि हम थंबनेल्स एक्सेस कर पाते हैं एपीआईज में, वीडियोस एक्सेस कर पाते हैं। वीडियोस जब हमें एक्सेस करना होता है तो हम वीडियो का जब हम शेयर करते हैं तो उसकी आईडी हम पास कर देते हैं, लेकिन क्या ये थंबनेल, ये एनिमेटेड जो है यहाँ पर, जो जिफ जिफ नहीं, एनिमेटेड जो छोटा सा क्लिप है, जो WP वेबपी का जो क्लिप है, वो एक्सेसिबल है कि नहीं है? तो इसके बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे स्टैक ओवरफ्लो पे पता चला कि ये जो है अभी तक तो प्रोग्रामेटिकली एक्सेसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी तक कोई भी API, YouTube का कोई API जो है वो आपको डायरेक्टली इस जो एनिमेटेड क्लिप है, एनिमेटेड थंबनेल है, इसको आप एक्सेस डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं। एक्सेस कर मतलब अगर आपको इसको चाहिए एक्चुअली, अगर कोई वीडियो है उसका कोई स्पेसिफिक वीडियो है, कोई स्टैटिक वीडियो डायरेक्टली अपने आईडी पास करके अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से इंस्पेक्ट करके और वहाँ से ये URL यूज़ कर सकते हैं। ये URL जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये URL जो है ये कभी चेंज नहीं होता है एक वीडियो के लिए। जिस वीडियो के लिए एक बार जनरेट हो गया तो दोबारा चेंज नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप इस URL को यूज़ कर सकते हैं। बट डायनेमिकली, अगर डायनेमिकली आप रन टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियो आइडियाज़ पास कर रहे हैं, और पास करने के बाद से आप ये उम्मीद करें कि ये यहाँ का जो 3 सेकंड का जो एनिमेटेड थंबनेल है ये आप एक्सेस कर पाएँ अपने यूज़ के लिए, तो ये अभी तक के लिए पॉसिबल नहीं है। आई होप मेरी रिसर्च जो जो है आपको इंस्पायर करेगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।